हेलो गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं नरेंद्र गौतम ऑफिशियल चैनल से पवन सिंह ओल्ड स्टेज शो, पवन सिंह का दिल को लुभाने वाला गीत। ओके, तो ये पवन भैया का फर्स्ट स्टेज शो है, मतलब बोला तो यही गया है। ठीक है, ये नरेंद्र गौतम ऑफिशियल चैनल से ये वीडियो है। करीब एक साल पहले इस पर अपलोड हुई है, लेकिन आई होप ये बहुत काफ़ी पहले की वीडियो है, क्योंकि काफ़ी यंग दिख रहे हैं पवन भैया यहाँ पे। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओ भैया, पवन सिंह जी के बाद छोटे छोटे लोग नन्ही कलाकार हैं, ये बड़ा खुद खुद का होता है। सब लोग खाली शांति से बैठे रहे, आनंद दे पूजा गौतम पवन सिंह के साथ किया है काफी पहले की वीडियो है यार, बहुत पुरानी है वीडियो। आगे के भाई चाचा सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन कम से कम अगर भाई के नाम पे आसपास भरत होकर टाइम ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी I'm sorry.
ओके यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म एंड सो यार ये वीडियो तो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था। मतलब हमने पवन भैया का एक बहुत ही ज़्यादा यंग रूप देखा। मतलब सही बताऊँ तो मैं इनके पता है भक्ति सॉन्ग मैंने कई सारे सुने हैं। हम लोग क्या बजते थे माता जी के जो भी भक्ति गाने थे, हम लोग क्या नवरात्र में बजते थे वो गाने। और अभी तो मतलब यहाँ जो इन्होंने शेरावाली माता का गाना गाया है वो तर्ज किसी को याद आया?
चलो नहीं याद आया तो मैं बता देती हूँ। रवि किशन जी का सॉन्ग था नगमा के साथ, गाल गुलाबी चाल शराबी मस्त रवनिया वाली से उड़निया वाली से हो गयल बा प्यार उड़निया वाली से। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो सॉरी आपको इतना गंदा गाना सुनाया मैंने, लेकिन इस तर्ज पे ये जो भक्ति गाना पवन भैया ने बना कर गाया है, वाव यार वाव, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड पता है क्या, ऐसे जो फिल्मी गाने होते हैं इन पर तर्ज बना बना के हमारे यहाँ जो मोहल्ले की आंटियाँ होती हैं वो इन फिल्मी तर्जों पे माताजी के गाने बना बना के बहुत ज़्यादा गाना गाती हैं, है ना। तर्ज वही होगी, जो ट्यून होती है वो वही होगी और बस बोल बदल जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यार मुझे वही चीज़ याद आ रहा, बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी जगराते में बैठी हूँ, है ना, क्योंकि जगराते में इसी टाइप का मंडप वगैरह सजता है, टेंट लगता है, स्टेज बनता है, तो उसमें एक तरफ माता जी की पूजा हो रही होती है सामने की तरफ, है ना, और सब लोग ऐसे ही गाना गाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम पूरा माहौल बहुत ज़्यादा भक्तिपूर्व होता है ना, भक्ति वाला माहौल होता है, तो मुझे बिल्कुल वैसा ही फील आ रहा था। सो आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो तो आई होप यार वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, है ना। तो चलो यार यहीं पर मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और अगर रिएक्शन पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।